ऐसी कर रहा हूँ जिसमें खुद को बहुत खुश कर पा रहा हूँ और प्रफुल्लित अंदर से हो रहा हूँ कि मैं काम करके खुद को पहले खुशी होती है कि हमें अच्छा लगा ये काम करके। और प्रचार प्रसार हुआ आज की फिल्म का काफी मतलब पगड़ी वगड़ी बांध के काफी रियल तरीके से हुआ उसके नाम पे, कैसा लगा? ये कि फिल्म आज ये म्यूजिक लॉन्च था सेहरा बांध के आऊंगा का ट्रेलर लॉन्च था, तो चूंकि सेहरा बांध के आऊंगा इसलिए सबके सर पे सेहरा था, अभी तो मैंने सेहरा निकाल दिया है क्योंकि सेहरा बहुत हैवी होता है तो बहुत ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता है, तो सबके सर पे सेहरा था तो एक अलग खूबसूरती होती है। लॉन्चिंग तो बहुत होती है लेकिन एक रंग में सब रंग जाए तो उसका एक अलग ही रंग मज़ा आता है, तो सबको एक रंग में रंगने के लिए सबके सर पे सेहरा था। बस इस फिल्म के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए एक एक्टर के लिए चंद फिल्में जीवन में बहुत आवश्यक होती है, जिसमें एक सेहरा बांध के आऊँगा, इसके पहले मेहंदी लगा के रखना या इसके बाद डमरू, चंद ऐसी फिल्में हैं जो मेरे जीवन में 15 साल की फिल्मी करियर में ये चंद फिल्में मेरे पूरे चरित्र को मेरे करियर ग्राफ को ही बदल दिया। पहली फिल्म थी मेहंदी लगा के रखना जिसमें मैं एक हार्ड कोर विलन जो 250-300 फिल्म करने के बाद एक फर्स्ट टाइम पॉजिटिव रोल में आया, वो विलेन उस रंग में इस कदर रंग गया कि हम जो अब तक दर्शकों को डराते थे उन दर्शकों को मैं रुला दिया। उसके बाद ये फिल्म आई सेहरा बांध के आऊँगा, मैं पहली बार हार्डकोर कॉमेडी कर रहा हूँ जो मतलब जो मेरे कहीं मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इस फिल्म के निर्देशक रजनीश मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ और उन्होंने मेरे से कराया, उन्होंने ही मेरे से मेहंदी लगा के रखना भी कराया और उन्हीं की तीसरी फिल्म है डमरू जिसमें उन्होंने एक ऐसा रूप में मुझे दे दिया जो मैं शायद सोच नहीं सकता था कि मैं वो कर भी सकता हूँ। तो मैं बस यही बोलूँगा कि एक सिनेमा अभी एक बदलाव के रास्ते पर है, एक अलग दिशा में फिल्म इंडस्ट्री जा रही है, जो ट्रेडिशनल फिल्मों का जो दौर चल रहा था उससे एक अलग हटके एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल इंटरटेनिंग फिल्म का दौर आया है जो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप मतलब एक ट्रैक पर मत चलिए, अपना ट्रैक बदलिए, तो इस तरह की शुरुआत अभी हो चुकी है तो बड़ा प्राउड हो रहा है मुझे कि इन फिल्मों का हिस्सा मैं बन पाया हूँ। पहली बार कॉमेडी कर रहे हैं, क्या कितना चैलेंज है कॉमेडी रोल प्ले करना, क्योंकि ज़्यादातर तो विलन के रोल पे किए हैं? नहीं मतलब मुझे लगता है कि जितने भी रस हैं एक अभिनय के उसमें सबसे कठिन रस है वो हास्य रस होता है, एक हंसना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। जब हम हंसते हैं तो हम खुश होते हैं, चंद लोग खुश होते हैं, लेकिन जब हम किसी को हंसा पाते हैं तो ऊपर वाले खुश होते हैं, तो उनको खुश करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा होमवर्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, तो वो करना मुझे बिलीव नहीं था कि मैं कर पाऊँगा लेकिन हो गया, हमारे डायरेक्टर रजनीश जी ने मेरे से करा लिया, तो ये मेरे सोच के परे था जो हो गया था, एक विश्वास जम गया कि शायद जब ये कर सकता हूँ तो आगे भी कुछ और भी जर्नी है मेरे लिए बच्ची हुई उसको भी पूरा करूँगा। तो हिंदी फिल्मों से किसे प्रेरित हैं, मतलब काफी सारे जो खलनायक हैं हासिल रोल भी कर चुके हैं, परेशान की बात ले लें या और भी? नहीं नहीं, प्रेरित होना नहीं, मतलब प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा सबसे बड़ी प्रेरणा अपने अंदर होती है, मुझे लगता है कि हमारे अंदर ही इतनी बातें इतनी प्रेरणाएं छुपी हुई हैं जिसका पल पल पे अगर उसका मैं उसको निकालूं तो शायद वो जीवन कम पड़ जाए मेरे लिए। तो खुद के अंदर बहुत हर इंसान के अंदर छुपी होती है, ज़रूरत है ढूंढने की, ढूंढिए हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको ढूंढना पड़ता है, एक एक्टर को तो हमेशा खोजी होना चाहिए, एक खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए कि ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, पहले खुद के अंदर ढूंढो फिर बाहर की दुनिया को ढूंढो, तो मैं अभी खुद को ही ढूंढने में लगा हुआ हूँ अभी। हाँ ये है कि मतलब
एक अगर मैं बोलूँ एक आम भाषा में जो बहुत प्रचलन वाली फिल्में हैं जिसको गॉडफादर बोलते हैं, तो एक गॉडफादर है ये, जिसमें कहीं ना कहीं से हमारे विलेन का भी जो इमेज है वो भी इसको बहुत मदद करने वाला है, और बाकी जो फ्लेक्सिबल एक्टर का इमेज है वो भी बहुत मदद करेगा। तो ये एक अलग ही फिल्म है, और ये निश्चित तौर पे ये सब पूरा श्रेय जाता है इस तरह की सोच रखने वाले उस डायरेक्टर को जो इस तरह की फिल्म ग्रेजुअली बनाते चले जा रहे हैं। मेहंदी लगा के रखना, सेहरा बांध के आऊँगा, फिर ये फिल्म डमरू, फिर अग्निपथ। तो इत्तफाकन मेरे मित्र भी हैं, और मित्र के साथ सहजता ज़्यादा होती है, तो शायद मैं इसलिए उनके साथ ज़्यादा सहज हो पाता हूँ। मतलब अच्छा अनुभव है, जीवन का एक एक्टर का एक फेज आता है जब एक्टर खुद को खुद